अलैकुम, मैं मोहम्मद यासिर अली और आज हम बात करेंगे मुश्किल वक्त पे। मुश्किल वक्त बेसिकली देखें वो वक्त होता है जब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं और आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। देखिए, अगर आप मुश्किल वक्त में किसी चीज़ से ये मुश्किलात में नहीं गुजरते ना, आप सीखते नहीं हैं। मुश्किल वक्त बेसिकली आपको सिखाता है। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जिनकी वजह से आपको समझ आएगी कि इसका किस तरह से फ़ायदा होता है। देखिए, जब तक आपको एक चीज़ में आप काम करते हैं ना, आपको मुश्किल वक्त नहीं आता, आप मूव ऑन कर जाते हैं। कोई भी बिजनेस है या कोई भी चीज़ है, आप जब स्मूथ मूविंग हो रही होती है ना, आप चीज़ें नहीं सीख रहे होते, आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी जो आप एरर्स कर रहे होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आप आगे से आगे चलते जाते हैं। लेकिन जब आगे जाके वक्त में मुश्किल आती है, आप कई दफ़ा बिल्कुल या थम जाते हैं या आपका काम स्लो हो जाता है या आप उसको नहीं हल कर पाते, और कई दफ़ा यह तक हालत आ जाती है कि आपको काम बंद करना पड़ जाता है और आपको ज़ीरो पे हो जाते हैं। लेकिन अगर देखें आपको शुरू में मुश्किल आती हैं ना, तो फिर आप सीखते जाते हैं और उन मुश्किल से जब आप गुजर के आगे जाते हैं तो एक तो आप लंबी रेस का घोड़ा बनते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आपको आगे जो भी मुश्किल आती हैं वो आसान से आसान तर इसलिए लगना शुरू हो जाती हैं, आप मुश्किल वक्त के आदी हो चुके होते हैं और मुश्किल को हैंडल करने की आप में कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है। तो देखें, हमेशा आप मुश्किल वक्त में अच्छे वक्त से ज़्यादा सीखते हैं और हमेशा उससे आपको सीख लेनी चाहिए, ना कि आपको डिसअपॉइंट होकर बैठ जाना चाहिए। देखें, जो भी आज मैं हूँ बेसिकली मुश्किल वक्त की वजह से हूँ। मैंने ऐसा ऐसा मुश्किल वक्त गुजारा है कि आप लोगों की सोच, और मैं कई दफ़ा अपनी एग्जाम्पल्स में बता चुका हूँ। मेरे पे ऐसा भी वक्त रहा है जब मेरे पास सपोज कॉकाटेल्स के 10 पेयर थे तो मेरे पास 2 साल में 10 बच्चे भी नहीं थे। वो एक मुश्किल वक्त था, उस वक्त ने मुझे सिखाया कि मैंने किस तरह मूव करना है। उसके बाद जब मेरी एक चीज़ मेरे पास एमरल्ड भी थे, डीएस भी थे, क्रीम फेस भी थे और स्टॉक इतना था, लेकिन मैं उसकी कीपिंग नहीं कर सका, जिस वजह से वो मेरा सारा का सारा एक पूरे सीज़न का ना, क्योंकि मैं बिज़ी था, मैं इतना मसरूफ़ था कि मेरे पास 2 घंटे भी नहीं होते थे। और उसकी वजह ये थी कि मेरे जो मामू हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और उनके इलेक्शन की वजह से हम इतने बिज़ी थे कि हमारे पास टाइम नहीं था कि मैं बर्ड की प्रॉपर केयर कर सकूँ। तो मेरा 5 से 6 लाख रुपए का जो उस सीज़न का बर्ड था, जो मेरा समझ लें बेसिकली प्राइम था और प्राइम वक्त में था, वो उस वक्त मेरा एक्सपायर हुआ। और उन दिनों में मैं जितनी मुश्किल से गुजरा हूँ आपकी सोच है, और उस चीज़ ने बेसिकली मुझे चेंज किया है कि मुश्किल वक्त ही आपको सिखाता है। उस वक्त ने मुझे हिम्मत दी कि जब आपका लॉस होता है तो आपने किस तरह मूव करना है। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ, बहुत ज़्यादा डाउन था। मैंने कई लोगों से रिक्वेस्ट की, बड़े बड़े ब्रीडर से रिक्वेस्ट की कि यार आप प्लीज़, क्योंकि मैं नया था ना इस चीज़ में, म्यूटेशन बर्ड में नया था, कि यार मेरा ये किसी तरह बर्ड सेल करवा दें, लेकिन किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया। और उस चीज़ ने मुझे सिखाया कि यार आपको अपनी इमेज बिल्ड करनी है, कोई भी आपके काम नहीं आता जब तक आपकी इमेज नहीं ना बिल्ड होती। आप एक पानी में नहीं होते, कोई आपके काम नहीं आता, आपके अपने रिश्तेदार आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो मुश्किल वक्त लोगों के असली चेहरे दिखाता है, लोगों के चेहरे से नकाब उतारता है और यही आपको बताता है कि आपका सच्चा साथी कौन है। आपका बेस्ट फ्रेंड भी ना, आपका बहन भाई भी, आपके माँ बाप भी आपको मुश्किल वक्त में छोड़ देंगे, एक हद से ज़्यादा वो आगे जाएगा तो। लेकिन अगर आप उस वक्त को एज अ पॉजिटिव साइन लेते हैं, उसमें कोशिश करते हैं उसको इम्प्रूव करने की पॉजिटिव तरीके से, तो जो उसके बाद आप निखर के या सामने आते हैं वो बहुत अच्छे इंसान आते हैं। और मैं बेसिकली जो कुछ आज हूँ या जो मेरी सोच है वो बेसिकली इसी वजह से है कि मुश्किल वक्त से मैं गुजर गया और उस मुश्किल वक्त से अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी गुजरने की और मैं मूव ऑन करके आज वो हूँ जो आप सबके सामने हूँ। अगर शायद मैं उस वक्त से नहीं गुजरा होता तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता होता, मैं इन चीज़ों में कभी ना घुसता, कभी इस तरह से ना सोचता जिस तरह से आज सोचता हूँ। तो हमेशा मुश्किल वक्त आपको सिखाने के लिए होता है, ना कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। वो बेसिकली आपको अभी शॉर्ट टर्म में लग रहा होता है कि यार मेरे साथ तो बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप मुश्किल से लड़ना सीख जाते हैं या उससे कुछ सबक सीख जाते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा ले सकते हैं, आपकी सोच से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। और बेसिकली आज जो मैं काट रहा हूँ या जो बेनिफिट्स ले रहा हूँ ना, वो बेनिफिट्स बेसिकली मेरे पुराने वक्त की मुश्किलात हैं जिनकी वजह से आज मैं ये बेनिफिट्स ले रहा हूँ। और इन बेनिफिट्स की वजह से ही आप लोग मुझे ये देख रहे हैं कि यार मैं इस तरह से प्रेजेंट हूँ, लेकिन इन मुश के पीछे बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनसे मैं गुजर के आया हूँ। एक वक्त ऐसा था जिस वक्त मुझे कोई नहीं जानता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी बड़े बड़े फैंसियर्स हैं जिनके साथ अब मैं मिलता हूं, और वही कुछ उनमें से ऐसे फैंसियर्स थे जिन्होंने मुझे उस वक्त मेरे से बात करना भी मुनासिब नहीं समझते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बात करते हैं, खुश दिली से मिलते भी हैं। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ होती हैं। देखिए, स्पेशली जब आप म्यूटेशन बर्ड में मूव करते हैं तो आपका नाम होना ज़रूरी है,
और इसमें आपको मुश्किलें ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। देखिए, आपने कोई भी बर्ड रखना है ना, बेसिकली जब हम बर्ड रखते हैं सिर्फ ये सोच के रखते हैं कि यार इसको रखना है बस, और हमें बताया भी है रखना है, दाना पानी डालना है, बस कमाई कमाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले हॉबी आती है, आपके अंदर हॉबी होगी, आपको पता होगा उसको रखना किस तरह है, फिर ही आप मूव ऑन करेंगे। हमारी हॉबी नहीं होती, हम बिज़नेस समझ के आ जाते हैं और लॉस कर बैठते हैं। आपको ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा अगर आप इसकी मुश्किलात को समझ लेंगे, हैंडल कर लेंगे, उसके बाद आपको फ़ायदा होगा और फिर ही जाके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, मुश्किल वक्त ही आपको सिखाता है। मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अभी भी कई चीज़ों पे मैं मुश्किल वक्त देख रहा हूँ। मेरी कई वर्किंग्स जो हैं वो कई दफ़ा बिल्कुल उनके बच्चे जो होते हैं वो कई दफ़ा सेल्फ होके एक्सपायर हो रहे हैं, उसकी वजह मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन अल्लाह ताला उसके बाद मुझे उससे मेजर पॉइंट पे नवाज देता है। ठीक है, अभी जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ बर्ड्स में, बेसिकली उससे पहले मैं एक चीज़ एक पेयरिंग की हुई थी, लेकिन उससे मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो यार ये पार्ट ऑफ हॉबी है। लेकिन उसके बाद जो मुझे आइडिया आया है, जो सोच आई, वो सोच उससे 1000 गुना बेहतर थी। इसी तरह जब अब मेरे पे कोई मुश्किल आती है या मेरे पे कोई प्रॉब्लम आती है, जब उस प्रॉब्लम को मैं हैंड से गुजरता हूँ, तो उसके बाद जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी वेट कर रही होती है, जो मेरे लिए चीज़ वेट कर रही है, तो उससे 1000 गुना बड़ी होती है। इसी तरह जब भी मेरे पे कोई मुश्किल आई है, अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उस मुश्किल से निकलने के बाद जो मैंने पहले नुकसान किया होता है ना, ये मुझे लग रहा होता है नुकसान हुआ, उससे बड़ी चीज़ मेरे आगे गिफ्ट के तौर पे, या वो कहते हैं ना पकी पकाई देख के तौर पे परोस के रख दी गई है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लोगों को कोट करता रहता हूँ, तो इसीलिए कहता हूँ मुश्किल वक्त आपको सिखाता है। मैं आज जो कुछ सीखा हूँ, चाहे वो म्यूटेशन से रिलेटेड है, चाहे वो वर्किंग से रिलेटेड है, बर्ड कीपिंग से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है, लोगों को हैंडल करने से रिलेटेड है, ये मुश्किल वक्त ने मुझे सिखाया है। आज जहाँ पे भी मैं जिस मकाम पे भी हूँ, ये मुश्किल वक्त की वजह से, जो आगे भी जिस मकाम पे जाऊँगा, वो बेसिकली दुआओं के साथ साथ आपकी मेहनत भी होती है और मुश्किल वक्त से जो आप सीख रहे होते हैं ना वो भी होता है, और अल्लाह की आप पे इनायात भी होती हैं। जब आपको अल्लाह पे भरोसा होगा ना, अल्लाह पे तवक्कल होगी, अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद ही चीज़ें आपके आगे प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, और आपको एडवांटेज होगा, आपको फील होगा कि यार आई एम मूविंग, ऐसे मज़ा आ रहा है। जैसे अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ों पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली मुश्किलात आप लोगों से इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि आपको पता हो कि यार ये मुश्किलात भी आती हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम मुश्किलात नहीं बताते इस हॉबी की, सिर्फ बेनिफिट्स बताते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों नहीं बताते, एक चीज़ बता देते हैं। ठीक है, नुकसानात नहीं बताते, बेनिफिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस नहीं बताते, एडवांटेजेस बताते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस जब जो कोई सुनता है ना, वो कहता है यार इट्स वेरी इजी, बड़ा आसान है, मैं कर लूँगा, और जब नहीं कर पाता, वो उस चीज़ में एग्जिस्ट नहीं करता, या उसको छोड़ देता है, या उस तरह से नहीं करता, या उस दिल से नहीं करता, उसकी वजह से वो फिर उस तरह से काम नहीं करता, और वो या छोड़ जाता है, या फिर अगर इस हॉबी में रहता है तो इस हॉबी को ख़राब करता है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लंबी रेस का घोड़ा बने, मुश्किलात से सीखने की कोशिश करें, मुश्किलात से लड़ने की कोशिश करें, मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें, और मुश्किलात में ज़िंदा रहने की कोशिश करें। सर्वाइवल जो होता है ना, कई दफ़ा मुश्किलात में आपका सर्वाइवल डिसाइड करता है कि आप आगे क्या बनेंगे। अगर आप मुश्किलात में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो फिर आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मुश्किलात के बाद अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है और आती है। मैं 3 दफ़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें देखी हैं, और वो अपॉर्चुनिटी बेसिकली अगर आप कैश इन कर जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप उस लेवल से बहुत आगे होते हैं जहाँ पहले आप सोच रहे होते हैं। तो ये मुश्किलात आपके को सिखाने के लिए होती हैं, और अल्लाह ताला हमेशा मुश्किल में उन्हीं को डालता है जिन पे उसको उम्मीद होती है कि मुश्किल से निकल आएंगे। और अगर आप उस चीज़ पे कर जाते हैं अमल दरामद, तो फिर उसके बाद आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता। हर इंसान में खसूसियत होती है, और वो खसूसियत अगर वो आइडेंटिफाई करके उस खसूसियत को साथ लेके चलता है ना, तो उसको फ़ायदा। आप देखें, मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं उन लिमिटेशन से बाहर नहीं जाता। मुझे अगर एक चीज़ के बारे में नहीं पता, तो मैं उस बारे में बात नहीं करता, या लोगों को ओपनली कह देता हूँ कि यार मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग इस चीज़ को नहीं समझते, बल्कि लोग इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि यार मैं क्यों किसी को बताऊँ कि मुझे इस बारे में नहीं पता। हालांकि अपनी गलती को या अपनी कमी को एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ होती है, और इसी से आप आगे सीखते हैं। अपनी उस कमी को इम्प्रूव करें ना, बाद में अपनी कंपनी कमी को खुद देखें, पहले अपने गिरेबान में देखें, उसके बाद किसी और पे बात करें। आप कमी को इम्प्रूव करेंगे तो आप बेटर पर्सन बन जाएंगे, और मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ कोताहियाँ थी जिनको मैंने इम्प्रूव किया, और आज वो हूँ जो आपके सामने हूँ। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो बेसिकली ऐसी हैं जो आपको सिखाएंगी,
उनके लिए आप हमारे दोनों चैनल्स MY फार्म्स को और एनिमल नेक्सस को सब्सक्राइब करें और उसके साथ उनके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की अपडेट्स पहले मिलें। और साथ ही साथ हमें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सॉरी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करें। और उसके साथ साथ हमारी एनिमल नेक्सस के नाम से ऐप है जिसपे आपको वेरीफाइड चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उससे सोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, आपके प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश की गई है उन चीज़ों में, वेरीफाइड चीज़ें होंगी वो आपको दी जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश हम करेंगे उसके ज़रिए। और इंशाल्लाह विद टाइम इम्प्रूव करेंगे। वो ऐप भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करें और इंशाल्लाह आपको, मैं जिस तरह पहले कह चुका हूँ, इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा। थोड़े देर से ज़रूर होगा लेकिन आपको फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा सिर्फ मुझ तक नहीं बल्कि आप तक भी जाएगा। उसके असरात जो है ना वो पूरी हमारी हॉबी तक, पूरे पूरे जितने लोग इससे रिलेटेड उन सबको मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।